भाई नजर लाते हैं कुछ और खबरों पर। खवातीन को मुस्तहकम बनाने और हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक उनमें बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक वर्कशॉप कुछ रोज जमात इस्लामी हिंद के मरकजी दफ्तर पर रखा गया। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें चलाई जाती हैं, मगर इन स्कीमों से नावाकिफियत की वजह से मुस्लिम खवातीन उनका फायदा नहीं उठा पाती, लिहाजा हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली इन स्कीमों से मुताबिक खवातीन में बेदारी पैदा करने की गर्ज से जमात इस्लामी हिंद के मरकजी ऑफिस पर एक वर्कशॉप गुज़श्ता रोज़ मुनक़द किया गया। जामिस्पुर कॉर्पोरेशन के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघा जोगदंड ने खवातीन को तंदुरुस्त रखने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों से मुताल्लिक हाजिरीन की रहनुमाई की, जबकि तिजारत में खवातीन के लिए कौन से मौके हैं इस बात से डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजर दिलीप गोड़लदार ने मालूमात फराहम की। इसी तरह शोबे तालीम में फराहम की जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक यशवंतराव कॉलेज नांदेड़ के प्रोफेसर एम ए बसीर ने रहनुमाई की। अमीर मकामी बस डॉक्टर इमरान अहमद खान ने भी इस वर्कशॉप से खिताब किया और हमारी पसमानदगी दूर करने के गुर सिखाए। इस वर्कशॉप को कायम बनाने में जमात इस्लामी औरंगाबाद के शोबे तहफ्फुज़ उम्मत की सेक्रेटरी तहसीन फातिमा, शगुफ्ता मिर्जा, शाकिरा सलीम, फहीमुन्नेसा बेगम, खालिद अमतुल अजीज, सना फरहीन और शाइस्ता मिर्जा ने अहम रोल अदा किया।